महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त बिमला गिनवाल। जैसे कि हम जानते हैं, आज के दौर में समय का घोड़ा बहुत तेजी से भागता है और साथ ही साथ होते हैं परिवर्तन समाज में। तो अक्सर हम देखते हैं, जब पहले शिशु का जन्म होता था तो घर पर ही होता था, कोई हमारे आसपास की ग्रामीण महिलाएं ही प्रसव कराती थी और प्रसव पूरी जानकारी रखती थी। और आज भी हम देखते हैं, जो गांवों में महिलाएं हैं जो प्रसव कार्य कराती हैं, उन्हें स्वाय कहा जाता है हमारे कुमाऊं में। और जब हम उनसे पूछते हैं तो आपने कितने प्रसव करवाए हैं, तो उनका कहना होता है उन्होंने 100 से ऊपर प्रसव कराए। ऐसी ऐसी महिलाएं यहाँ पर होती हैं जिनको पूरी जानकारी होती है प्रसव के बारे में। और आज मेरे सामने है एक स्वाय, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी, लंबे समय से वो प्रसव करा रही हैं, उनका ये समय कैसा रहा, कैसे उनके अनुभव रहे। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी निगरानी में अभी तक कितने प्रसव प्रक्रिया संपन्न हुई है। नमस्कार, मैं रुक्मिणी देवी बोल रही हूँ। मेरे जानकारी में कम से कम 60-70 बच्चे मैंने, मतलब बिल्कुल सारे शिशु स्वस्थ हैं। और आज के समय में कम से कम 12-14 साल के हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने वर्षों से आप ये काम करती आ रही हैं। मुझे कम से कम हो गए हैं 17-18 साल हो गए हैं ये काम करते करते। क्या आपको कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त हुई या फिर आपने ये काम किससे सीखा? ये काम वैसे धीरे धीरे, एक दाई थी हमारे यहाँ, उसी के साथ में काम करती थी, उसी से सीखा था। मैंने ट्रेनिंग कहीं नहीं की है, अप्लाई हर जगह की मैंने, मतलब काम तो करती हूँ, लोग छोड़ते नहीं हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह बन जाए या कहीं ट्रेनिंग दिलाई जाए करके आज तक कोई सुनाई पुसाई ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको कभी ऐसी कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा है इस प्रसव के? यहाँ पर कोई अव्यवस्था होने के कारण कठिनाई का जब सामना करना पड़ता है, या 108 को फ़ोन करते हैं या गाड़ी करते हैं, फिर जब मेरे बस से बाहर होता है तो फिर मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ। रुक्मिणी देवी जी, ये बताइए कि प्रसव के समय आप किन किन बातों का खासा ध्यान रखती हैं? उस समय जिस समय बच्चा पैदा होता है, नाखून कटे हों और हाथ में ग्लव्स हों, ब्लेड उबाली हुई हो, साफ सुथरे कपड़े से उसको पकड़ने में यूज़ करते हैं हम, और इसी तरीके से मतलब वो करते हैं। जैसे प्रसव के समय आप उनको कुछ खाने के लिए कुछ क्या क्या सुझाव देते हैं कि आप अपनी तरफ से उनसे क्या खाने को देते हैं? मतलब क्या कहते हैं, वैसे तला भुना हुआ नहीं देते हैं, दूसरा पानी नहीं देते हैं। मैं तो उनको ये सुझाव देती हूँ कि जब माँ स्वस्थ रहेगी तब बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, सब कुछ खाना चाहिए, और बच्चे के लिए, बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, माँ की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मैं ये जो हमारे यहाँ परंपरा चली है उसको नहीं मानती हूँ, मैं नए तरीके से माँ का पहला दूध दिलाती हूँ और माँ को सब कुछ खाने के लिए देती हूँ। शायद कुछ क्या ज़्यादा मसालेदार खाना आप मानती हैं कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, वही तो कहती हूँ, मतलब मसाले ज़्यादा नहीं, बहुत तेल नहीं, मतलब हल्का खाना दिलाती हूँ सब कुछ। जैसे डॉक्टरी तरीके से ही आप प्रसव कराती हैं? ऐसा ही कराती हूँ, लेकिन अब ये अपना मतलब वो है, अनुभव है, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं से किसी ने, एक गिनवाल जी की मिसिस थी पहले हमारे यहाँ, दाई काम करती थी, उसी के साथ आया जाया करती थी, फिर वो बेचारी मर गई और तब से मैंने ये काम पकड़ा है, अब खुद ही करती हूँ। जी रुक्मिणी देवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप उस वक्त अकेली होती हैं, आपके साथ और भी कोई महिलाएं जाती हैं? मतलब कहीं तो मैं अकेली भी कर लेती हूँ, जब कहीं ऐसी स्थिति आई, दूसरा तो चाहिए किसी का सहारा ले लेती हूँ, और नहीं तो अधिकतर अकेली ही करती हूँ। जब गांव की महिलाएं ही प्रसव कराया करती थी तब भी शिशुओं का जन्म होता था और आज भी होता है, पर जरा प्रसव प्रक्रिया में सुधार हुआ है जो समाज में एक परिवर्तन का रूप है। अब चलते हैं एक महिला डॉक्टर, वो कैसे कराती हैं डिलीवरी। नमस्कार
नमस्कार डॉक्टर रूमा मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमावानी में। धन्यवाद। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रसव के बारे में, तो प्रसव सुरक्षित प्रसव के बारे में, पहले भी प्रसव कराए जाते थे और आज भी प्रशिक्षित दाइयां हो जाती थी उनके द्वारा भी प्रसव कराया जाता था और आज के समय में भी, तो आप भी बताइए कि आप किसको बेहतर मानेंगी, आपके नजरिए से घर में प्रसव कराना कितना बेहतर है? मैं यही कहूंगी कि घर में प्रसव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि पहाड़ में ये जाने आने की बहुत परेशानियां रहती हैं और अक्सर पेशेंट अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, इससे माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षित दाई हो और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ठीक हो, खून की रिपोर्ट सही हो, जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा उल्टा है या माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, माँ को कोई परेशानी है, तब दाई को अस्पताल रेफर करना चाहिए। पहली बार गर्भवती है माँ, तो कोशिश यही करना चाहिए कि अस्पताल में हो। अक्सर दाई को इसमें समय लग जाता है, अगर कोई एक या दो दिन अगर माँ को दर्द रहे और बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें बच्चे की प्राणहानि की आशंका रहती, इसलिए दाई हमेशा, शिक्षित दाइयाँ भी हमेशा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने की ज़रूरत समझें। तो दाई प्रसव करा सकती है अगर पूरी जानकारी, जैसे माँ का स्वास्थ्य कैसा है, माँ का ब्लड ग्रुप कैसा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा अपुष्ट है कि बच्चा, अगर अपुष्ट है बच्चा और माँ को दर्द हो रहा है फिर भी अस्पताल में होना चाहिए, अगर बच्चा बड़ा है या काफ़ी लेट हो गया है तभी भी अस्पताल में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि माँ को एक दो प्रसव पहले हो चुके हैं, माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, खून की कमी नहीं है और बच्चे की पोजीशन भी ठीक है, बच्चा उल्टा नहीं है, तो या नाल गले के चारों ओर नहीं है, इन सब इसमें दाई प्रसव घर में करा सकती है। प्रसव के समय किन किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सफाई से लेकर? प्रसव के समय एक तो कमरा अच्छा होना चाहिए, कमरे में खूब हवा आनी चाहिए और जाड़े के दिनों में कमरे में हीटर लगा रहना चाहिए या अंगीठी जलनी चाहिए लेकिन उसका धुआं नहीं रहना चाहिए, जिससे कि माँ को और बच्चे को कोई ठंड न लगे। सफाई होनी चाहिए, दाई के पास अपना सामग्री रहना चाहिए, जैसे जो कि आजकल दाइयों को किट दिया जाता है जिसमें कि साफ रुई, डेटॉल, फिर नाल काटने के लिए ब्लेड, ये सब जो है रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि कभी कभार 9 महीने पूरे होने से पहले प्रसव हो जाता है, तो ऐसे में जच्चा बच्चा का ख्याल कैसे रखना है, क्या उनकी स्थिति नाजुक होती है? अगर समय से पहले ही बच्चा हो जाए तो बच्चे में कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, पीलिया का डर रहता है, कभी कभी बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ होती है, उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर पीलिया है तो बच्चे को स्पेशल एक हीटर लगनी चाहिए, बच्चे को न्यूमोनिया का डर रहता है, ये और बच्चे का वज़न देखना चाहिए, अगर बहुत ही कम वज़न है बच्चे का तो तुरंत दाई को माँ के साथ अस्पताल में ले जाना चाहिए, जिससे उसको स्पेशल इंक्यूबेटर में रख के बच्चा ठीक रहे, और माँ को अक्सर अगर समय से पहले बच्चा हो जाए तो रक्तपात का डर रहता है, समय से पहले हो तो दाई को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, परिजनों को बोलना चाहिए कि अगर माँ की और शिशु की हालत नाजुक है तो तुरंत अस्पताल ले जाए। तो आपने सुना डॉक्टर साहिबा को, उन्होंने बताया कि प्रसव में किस तरह की परेशानियां और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कि माना की एक स्वयं जो होती है उससे प्रसव कराना, कह सकते हैं कि कुछ मायनों में ये सही है पर अधिकांश हमें डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरी सलाह लें।